पीएम नरेंद्र मोदी के वीआईपी कल्चर से दूर रहकर आम जनता की सेवा करने का आह्वान इंदौर में भी देखने को मिला। वहीं भाजपा पार्षद ने लोगों की बूट पॉलिश कर सेवा की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के लिए फिर पीएम बनने की खुशी लोग अपने अपने तरीके से इजहार कर रहे हैं। कोई आतिशबाजी कर रहा है तो कोई यज्ञ, लेकिन इन सब से परे इंदौर के रेडिएशन चौराहे पर एक अनूठा नजारा देखने को मिला, जब पीएम मोदी के सेवा के आह्वान से प्रभावित होकर भाजपा पार्षद संजय कटारिया जनता की सेवा के लिए मुफ्त में बूट पॉलिश करते हुए नजर आए। आते जाते लोग रुक रहे हैं और संजय उनके जूते खुशी खुशी चमका रहे हैं। कटारिया का कहना है कि पीएम मोदी के वीआईपी कल्चर से दूर रहकर आम जनता की सेवा करने के आह्वान के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में दोबारा शपथ लेने जा रही, माननीय मोदी जी आज शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उस प्रचंड बहुमत को लेकर जनता का, जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी जी पे विश्वास किया है, उसको खुशी के रूप में और उस जनता के आभार के रूप में, और माननीय मोदी जी ने जो संदेश दिया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और वीआईपी कल्चर खत्म किया है माननीय मोदी जी ने, कि लाल बत्ती नहीं होना, सांसद से मंत्री तक की कतार में रहना है, या अधिक अधिक वाहन काफिले में नहीं चलेंगे, ऐसे कई माननीय मोदी जी ने देश को संदेश दिए। स्वच्छता में जो संदेश दिया माननीय मोदी जी ने झाड़ू उठाकर, उसको देश ने अपनाया है, और उनके यह सोच यह भाव से प्रेरित होकर हमने आज यह निर्णय लिया है कि आज भाई मुकेश हरियाले जी के टीम और हमारे साथी लोग आज दिन भर कोई ना कोई यहाँ उपस्थित रहेगा। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक फ्री बूट पॉलिश करी जाएगी, और यह खुशी और आभार के रूप में यह काम किया जाएगा। और आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से मेरा एक विशेष आग्रह है कि जैसा माननीय मोदी जी ने संदेश दिया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और वह कर दिखाया, देश की जनता ने अपनाया है। माननीय मोदी जी देश में जो पानी को लेकर एक बहुत अति आवश्यक अभियान चलाने की आवश्यकता है, पूरा विश्व इस पर चिंतन कर रहा है पानी की कमी को लेकर। कुल मिलाकर भाजपा पार्षद संजय कटारिया ने न केवल पीएम मोदी की बातों को आत्मसात किया, बल्कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इसका भी जीवंत उदाहरण पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।